हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए हैं 15 दिन, और उन्नाव में 15 या 20 या 25 नहीं 30 40 शायद 40, तो उन्नाव में मैंने 40 दिन और यहाँ के 15 दिन, 55 दिन, टोटल 55 दिन से मैंने बाल नहीं कटवाए, और परसों मेरा टेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि अब कटवा लेना चाहिए। तो कटवा के आते हैं, उसके बाद मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बात। ओके ओके ओके, तो मैंने बाल कटवा लिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैं देहरादून आ रहा था तो मैंने आप लोग को एक चीज़ दिखाई थी, जो कि थी ये माइक। मैंने अपने बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है माइक, और मुझे इसको यूज़ करना आता नहीं था। मैंने ट्रेन में इसको यूज़ किया था, मैंने स्टेशन में इसको यूज़ किया, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जो फ़ोन के जो मेन कैमराज होते हैं, जो फ़ोन में दिए होते हैं मेन कैमरा, वो कैमरा कोई एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं इसको एक्सटर्नल माइक को हमेशा मेन कैमरे में लगा के ही यूज़ करता था, तो अभी तक ही इससे कुछ रिकॉर्ड नहीं होता था। पर अब मुझे पता चला है कि इसको मेन कैमरा में नहीं, थर्ड पार्टी कैमरे में यूज़ करना चाहिए, और थर्ड पार्टी कैमरा ऐप यूज़ करना पड़ेगा, उसमें ये काम करेगा। तो आज इसको स्विच करके देखते। तो अब बताओ कि माइक में आवाज़ कैसी आ रही है। शायद बहुत अच्छी आ रही होगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट किया है अपने हिसाब से। खैर, एक बात और बतानी है। कल मेरे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक मीट कॉल हुई थी, तो हम सारी सेमिनार हॉल में बैठे हुए थे। हमारी क्लास थी अभी 15 मिनट पहले, पर सर आए, सर ने बोला एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ कॉल होने वाला है, मीट कॉल, तो वही मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। सेमिनार है सेमिनार हॉल पर, तो चल रहा हूँ, मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगा। मुझे लगा कुछ बढ़िया बताएंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे, बढ़िया चीज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं 11th और 12th में कर चुका हूँ। 11th और 12th में इसी चीज़ की हाइप हमारे अंदर आई थी कि तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, ये वो फलाने ठिकाना, तो हम, मैं और मेरे दोस्त ने बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी ली, तो मुझे लगा कुछ नया और जानने को मिलेगा। तो हम गए, बहुत अच्छे शौक में गए थे, लेकिन यार वहाँ पे ना कुछ नहीं बता रहे थे वो लोग। वो पता नहीं क्या उन्होंने हमें वो बता रहे थे, कुछ महात्मा गांधी के खादी वाले कपड़े के बारे में, तो ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट नहीं करता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मेन मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ नए आइडियाज़ हों और तुम उन पर वर्क करो, और मेन तो यही होता है। खैर, मेरा बेडरूम बहुत गंदा हो गया है, तो मुझे वो भी साफ़ करना है। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, यूनिवर्सिटी खुली थी मेरी, क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे बाल कटवाने थे, पहली चीज़। दूसरा, मुझे नोट्स बनाने थे, दूसरी चीज़। तीसरा, मुझे बेडरूम अपना साफ़ करना है, तीसरी चीज़। चौथा, मुझे मन नहीं था, सीधी बात। चौथी चीज़, पहले बेडरूम से ही करते हैं यार, ज़रूरी है। तो यार ये हालत है मेरे बेडरूम की, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुझे सब सही करना है। मैं एक बैग लेकर आया था, यहाँ पे इन्होंने कोई कवर्ड नहीं दी है, तो मैं अपना सामान कैसे रखूँ? तो मैं जो बैग लेकर आया था उसी में मेरा सारा सामान है, तो ये पूरा बिखर चुका है। मुझे ये भी सही करना है, मुझे अपना ये, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे जिसको लड़के को मैं साथ में लेकर आता हूँ वो सोता है, मौसी का बेटा है वो, यहाँ पे इसलिए लाता हूँ उसको क्योंकि यहाँ पे रात हो जाती है और रात में मुझे डर लगता है, तो वो यहाँ सोता है और मैं यहाँ सोता हूँ। तो मुझे अपना भी सही करना है जहाँ पे मैं सोता हूँ, और उसका भी थोड़ा बहुत सही करना है, बुक सही करनी है, यार इतना कुछ सही करना है। तो चलो बेटा, लग जाते हैं। Thank you.
बाल कटवा लिए, बेडरूम साफ कर लिया, अब नोट्स नोट्स का पूरा काम नहीं हुआ है, आधा काम हो गया है, आधा हम खाना खाने के बाद करते हैं।